एक रेसिपी बनाते हैं गुड फैट से। तो अवोकाडो है मेरे पास, थोड़ा सा सिरका दिख रहा है मुझे, ऑरेंजेस पड़े हैं, तो बनाते हैं ऑरेंज एंड अवोकाडो सैलेड। चलिए फिर अंजलि शुरू करते हैं। yes. ये बहुत ज्यादा सिंपल रेसिपी है। अब अवोकाडो है मेरे पास और इसमें ना एक खास चीज होती है जो जिसे ग्लूटाथियोन कहते हैं, जिससे प्रीमैच्योर एजिंग स्टॉप हो जाती है, यानी कि रिंकल्स वगैरह जैसे कई लोगों को जल्दी होते हैं ना। तो इफ यू टेक दिस रेगुलरली इट प्रिवेंट्स रिंकल फॉर्मेशन। अंजलि इतनी सारी एक तरफ से देखी जाए तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक तरीके से देखी जाए तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है टेक्निकल है। ये मेरे जैसे आम आदमी है, हमारे व्यूअर्स हैं, इनके लिए गुड फैट्स के लिए थंब रूल क्या है? इनको एक्चुअली ये करना है कि जो बाजारी ऑयल है, जो चीजें, ये जो फ्राइड फरसान वगैरह, ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें ही बैड फैट ज्यादा पाए जाते हैं। आप सही तेल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें म्यूफा ज्यादा है। वो कौन से तेल है वो तो हमने बता दिए। आपका एवोकाडो, इट्स अ फैंटास्टिक फैट इसके अंदर। जैसे सेसमी सीड ऑयल, ये आम ऑयल्स मिलते हैं, राइस ब्रैन ऑयल, दीज आर वेरी गुड ऑयल्स। यही ऑयल्स का आप इस्तेमाल करेंगे एंड खास तौर पर आप ओमेगा 3 जरूर लेंगे। वो अलसी बीज में आपको मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा, वॉलनट्स में मिल जाएगा। अब लास्ट बात रही रेशो की, हम कैसे 4:1 करेंगे, राइट? 4 हमें चाहिए ऑफ प्यूफा एंड 1 ऑफ ओमेगा 3, बराबर, राइट? तो इसके लिए वी हैव टू जस्ट स्टॉप ईटिंग द बैड फैट्स। ऑटोमेटिकली हमारे जो वेजिटेबल्स में है ओमेगा 6 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ओके, तो हमें और बाहर ऑलरेडी प्रेजेंट आपके ग्रेन्स में, आपके दाल्स में, देयर इज सम फैट ना, हर एक चीज में थोड़ा सा फैट होता है। एवोकाडो में कितना नेचुरल फैट है, सो दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज द ओमेगा 3। बिल्कुल, इन दैट केस ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ाना चाहिए। तो या सो जस्ट इंक्रीज ओमेगा 3 अलसी बीज खाकर, तो उसमें ऑटोमेटिकली आप 2 ही चम्मच लेंगे तो यू विल हैव इनफ ओमेगा 3 टू लास्ट यू द होल डे। एंड उसके अलावा यू हैव टू कुक योर फूड नॉट इन ओमेगा 6 बिकॉज वो आपके बॉडी में ऑलरेडी है, तो इन ओमेगा 9 विच इज म्यूफा। अच्छा, इसीलिए वी आर रेकमेंडिंग द म्यूफा रिच ऑयल्स। ग्रेट, या तो इसके साथ में डालूंगा थोड़ी सी ऑलिव ऑयल, तो ये ऑलिव ऑयल इसमें, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ऑरेंज सैलेड है तो ये ऑरेंज की सेगमेंट्स हम निकाल लेते हैं। तो ये ऑरेंज के सेगमेंट्स यानी कि पीसेस हम कर रहे हैं, तो ये भी हमने निकाल दिए, और ये जो जूस है बचता है इसमें, ये हम इसमें स्क्वीज कर रहे हैं सैलेड में। आई लाइक दिस मेथड। पहले ही हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है तो ये भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ये जो ग्राउंड पेपर है ये इसमें डाल दिया है। अब इसकी खटास थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए, इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा सिरका इसमें डालते हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने। जी जी जी, ठीक, सिरके के साथ बहुत थोड़ा सा दही डाला है जी। एक आप समझ सकते हैं कि एक ये दिख रहा है एक विलायती कचुंबर की तरह। इट्स लुकिंग नाइस। तो थोड़ा सा दही इसमें डाला है। चलिए ये जो पत्ते हैं मेरे पास ये ऐसे, और ये जो सैलड है आप ये इसके अंदर ये भर देते हैं थोड़ी थोड़ी। बोट सैलड, बोट सैलड आप कह सकती हैं, बच्चों को ये पसंद आएगी अगर आप इसे ऐसे थोड़ा सा सर्व करें। ये इसके अंदर, और अब ये ऑरेंज के सेगमेंट्स एक एक के ऊपर, ताकि थोड़ा सा खट्टापन थोड़ा सा तीखापन मिर्ची से आएगा। सिरका भी है इसमें, ये ऑरेंज की सेगमेंट्स, और ये जो हमने बनाया था दही और मिर्ची की चटनी जो थी ये थोड़ी सी बस के ऊपर। देखिए कितना सिंपल रहता है कभी कभी, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं या खाने के बारे में आपको पैशन है तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये बस अब ये चम्मच है, मैं चाहूँ तो उसे ऐसा ही खा सकता हूँ, चाहूँ तो बोल में सर्व कर सकता हूँ, लेकिन बनता बहुत आसानी से है। ये हमारा एवोकाडो एंड ऑरेंज सैलेड। ऑरेंज एंड एवोकाडो सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटे हुए एवोकाडो, आधा कप कटा हुआ लाल पत्ता गोभी, 1/4 कप कटी हुई पीली शिमला मिर्च, 1 प्याज कटा हुआ, आधा कप कटा हुआ आइसबर्ग लेटस, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1/4 कप ऑरेंज जूस, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच सिरका और 1 बड़ा चम्मच दही को मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। अब आइसबर्ग लेटस के पत्तों के बीच सैलेड को डालें और ऊपर से ऑरेंज सेगमेंट और चटनी के साथ सर्व करें।